हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एलिगेशन चैप्टर का पार्ट 10 सेशन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हम पार्ट 1 से लेकर 9 तक पढ़ चुके हैं। आज हमारा लास्ट पार्ट है एलिगेशन चैप्टर का, मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर का। आज हम टोटल हर एक टाइप का क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। जिस भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे एसएससी का सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, या एफसीआई हो, या रेलवे का कोई एग्जाम हो, चाहे वो बैंक का कोई एग्जाम हो, ठीक है, हम सारा सिलेबस कवर कर लिए। चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो, हम हर एक टाइप का क्वेश्चंस कवर कर लिए। अब इस टाइप को कंप्लीट करने के बाद आप क्या करेंगे कि हर एक टाइप के हर एक क्वेश्चंस को 5-5 बार प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आपके पास जो भी बुक हो उसको सॉल्व करेंगे, और जो भी बुक से डाउट बचेगा आप मुझे कॉल कर सकते हैं संडे को 5 PM to 10 PM के बीच में, और उस एग्जाम्स का प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करना है, जिस एग्जाम का एग्जाम देना है, ठीक है। जैसे जिस SSC CHSL देना है तो SSC CHSL का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। बस इतना कर लेंगे, मैथ्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम अगला एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल 48 से, ठीक है। एग्जाम्पल 48 में क्या है वो सुनिएगा। एग्जाम्पल 48 कहता है क्या, संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात 1:2 है। पूरा पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात कितना है, 1:2 है। उत्तरी अर्ध गोलार्ध मतलब नॉर्दर्न हेमी स्पेयर पर यह अनुपात 2:3 है। दक्षिणी अर्ध गोलार्ध मतलब साउथर्न हेमी स्पेयर पर थल और पानी का अनुपात कितना है, यह आपको बताना है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, हो सके तो इसका आंसर भी याद रखिए। अगर आपसे पूछेगा तो 4:11 आंसर होगा इसका। कैसे याद रखना है हम आपको बता देंगे लास्ट में जब हम सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम समझाते हुए हर एक टाइप के क्वेश्चन को, पहले हम इस हर एक पॉइंट को हम पहले समझा देते हैं, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल 48 को हम सॉल्व करते हैं। आप बोर्ड की ओर ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो क्वेश्चंस में कहा कि संपूर्ण पृथ्वी, तो एक पृथ्वी अर्थ बना लेते हैं, ठीक है। यह संपूर्ण पृथ्वी है, उसमें थल और पानी का अनुपात 1:2 है। उत्तरी अर्ध गोलार्ध मतलब इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ये उत्तरी अर्ध गोलार्ध है, नॉर्दर्न हेमी स्पेयर, इसको हम मान लेते हैं N, नॉर्थ यानी उत्तर, ठीक है। इसको मान लेते हैं साउथ यानी दक्षिणी अर्ध गोलार्ध। अर्ध मतलब होता है आधा, गोलार्ध मतलब पूरे गोला का आधा भाग, ठीक है। तो ये होगा उत्तरी अर्ध गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी अर्ध गोलार्ध, मतलब साउथर्न हेमी स्पेयर, ये नॉर्दर्न हेमी स्पेयर, ठीक है। अब पूरे उत्तरी अर्ध गोलार्ध पे थल और पानी का अनुपात कितना दिया, थल मतलब हो गया लैंड और पानी मतलब हो गया वाटर। इसका अनुपात दिया हुआ क्वेश्चन में 1:2, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और साउथर्न मतलब दक्षिणी अर्ध गोलार्ध में लैंड एंड वाटर का रेशियो आपसे पूछा है। लैंड मतलब हो गया थल, ठीक है, और वाटर मतलब तो वाटर समझ ही रहे हैं आप। इसमें आपको रेशियो निकालना है, इसका अनुपात कितना होगा ये आपको निकालना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक पॉइंट और दिया हुआ है कि ये पूरा अर्थ पर, ये पूरे अर्थ पर, ये जो अर्थ है उस पर लैंड एंड वाटर का जो अनुपात है वो है 1:2, ये क्वेश्चन में गिवन है। किस पे, अर्थ पे यानी पृथ्वी पे। इतना क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है, मतलब दक्षिणी अर्ध गोलार्ध पे थल और पानी का अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप को। अर्थ पे हमारा जो है, अर्थ यानी पृथ्वी पर, पृथ्वी पर कितना यूनिट है, लैंड एंड वाटर का रेशियो जो है, लैंड एंड वाटर, थल और पानी का जो अनुपात है वो है 1:2, 1:2, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, हम रेशियो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, शर्त है कि इसको जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें राइट साइड भी उतना ही नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, ये रेशियो का रूल है। तो चलिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 100 से, और यहां भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो क्या हो गया आप मुझे बताएं। यहां तो हो जाएगा 100 यूनिट और यहां होगा 200 यूनिट। अगर हम पूरे अर्थ पे को ऐड करें तो लैंड एंड वाटर मिलाकर के कितना यूनिट होगा,
300 यूनिट पूरा एरिया, थल का भी और पानी का भी पूरा एरिया 300 यूनिट होगा। उसमें क्या कह रहा है, दक्षिणी अर्ध गोलार्ध और उत्तरी अर्ध गोलार्ध, अर्ध मतलब होता है आधा, इसका मतलब इसका 50% और इसका भी 50%, ठीक है, यानी उत्तरी उत्तरी अर्ध गोलार्ध यानी नॉर्थ और दक्षिणी अर्ध गोलार्ध यानी साउथ, ठीक है। तो अगर हम 300 यूनिट का 50% ले लेंगे उत्तरी को दे देंगे और 50% दे देंगे दक्षिणी को, तो 50% हम इसको देंगे तो कितना यूनिट होगा, 150 यूनिट, यस या नो। और इसके पास कितना जाएगा, अर्ध गोलार्ध आधा, तो 150 यूनिट, ये 300 में 150 तो इसके पास रहेगा, 150 यूनिट इसके पास रहेगा, क्लियर है। ये 150 यूनिट में क्या क्या है, लैंड है एंड द वाटर है, लैंड है यानी थल है और पानी है, यहां समझ में आ रहा है, लैंड एंड वाटर है। इसका जो रेशियो दिया हुआ है 1:2 कितना दिया हुआ है, 1:2 यहां पे थोड़ा सा चेंज कर लेंगे आप, यहां जो उत्तरी पे है वो है 2:3 दिया हुआ है, क्वेश्चंस में 2:3 दिया हुआ है, ठीक है, इसको चेंज कर लेंगे, उत्तरी पे जो रेशियो दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है, क्योंकि ऑफलाइन बेस्ट तो है नहीं, जो आप मुझे बता देंगे कहीं पे अगर हम गलती करेंगे तो, ये तो ऑनलाइन हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अगर गलती से कुछ लिखा जाए तो मुझे ही उसको ठीक करना होगा, ठीक है। तो चलिए 2:3 है, 2:3 है, यहां तक तो समझ में, 2:3 है। उत्तरी अर्ध गोलार्ध पर ये लैंड एंड वाटर का अनुपात कितना है क्वेश्चंस में, 2:3 है, 2:3 यानी कितना यूनिट, 5 यूनिट, 5 यूनिट का वैल्यू कितना है, 5 यूनिट का वैल्यू है 150, तो 5 यूनिट का वैल्यू 150, 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 150, यहां पे ऊपर लिखते हैं, यस या नो, ऊपर लिखते हैं या यहीं पे लिख देते हैं, 5 यूनिट का वैल्यू 150, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू मुझे बताएं, 150/5 कितना हो जाएगा, 30, 30, 1 यूनिट का वैल्यू 30, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 30, 3 यूनिट का वैल्यू 3 × 30 तो 90 यूनिट, और 2 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 2 × 30 यानी 60 यूनिट, यानी उत्तरी अर्ध गोलार्ध पे जो लैंड है वो 60 यूनिट है और वाटर है 90 यूनिट है, क्लियर है। अब यहां पे आइए दक्षिणी अर्ध गोलार्ध के पास, दक्षिणी अर्ध गोलार्ध में अगर हम बात करें, दक्षिणी अर्ध गोलार्ध में लैंड एंड वाटर, यहां पे लैंड एंड द वाटर, क्लियर। अब यहां देखिए पूरे अर्थ पर लैंड यानी थल कितना यूनिट है, 100 यूनिट है, उसमें से उत्तरी के पास कितना है, 60 यूनिट, उत्तरी के पास कितना यूनिट है, उत्तरी अर्ध गोलार्ध पर 60 यूनिट है कि नहीं, तो टोटल 100 - 60 कर देंगे तो दक्षिणी अर्ध गोलार्ध पर पता चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 100 - 60 = 40, यानी यहां पर क्या होगा, 40, ठीक है। अब पूरे अर्थ पर वाटर कितना यूनिट है, 200 यूनिट, उसमें उत्तरी के पास कितना है, उत्तरी अर्थ गोलार्ध 90 यूनिट, तो अगर हम 200 - 90 कर देंगे तो वो दक्षिणी बच जाएगा, तो दक्षिणी बचेगा तो कितना होगा, 110 बचेगा कि नहीं बचेगा, यस या नो, फिर से समझिएगा, पूरे अर्थ पर जो है लैंड जो है 100 यूनिट है, उत्तरी के पास कितना यूनिट है, 60 यूनिट, तो 100 - 60 कर देंगे तो 40 हो जाएगा दक्षिणी के पास लैंड, और टोटल अर्थ पर वाटर 200 यूनिट है और उत्तरी के पास कितना है, 90 यूनिट, तो 200 - 90 कर देंगे तो जो बचेगा वो बच जाएगा दक्षिणी के पास, तो 110। अब ये रेशियो कैंसिल करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 4:11, 4:11, इसको आप डायरेक्ट याद रखें कि इसका आंसर कितना होता है, इस क्वेश्चन का आंसर होता है 4:11, एक ही टाइप का क्वेश्चन इस टाइप का पूछा गया एग्जाम में, तो आप इसको डायरेक्ट याद रखें, इसका आंसर होगा 4:11, और ऑप्शन में पहला ऑप्शन आपको 11:4 भी देगा, तो कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम हॉल में, तो याद रखें, पृथ्वी पर जल ज्यादा है या थल ज्यादा है, पृथ्वी पर जल ज्यादा है ना, तो जल ज्यादा है तो जल के इधर ज्यादा वाला वैल्यू होगा, ठीक है,
11 हो जाएगा वाटर के साइड में और जो बच गया वो लैंड के साइड में होगा, तो 4:11 में कंफ्यूजन नहीं होगा आंसर, ठीक है। चलिए एग्जांपल नंबर 49 की ओर आते हैं। एग्जांपल 49 में इन 50 लीटर ऑफ मिक्सर, मतलब हमारे पास मिश्रण है वो 50 लीटर का है, ठीक है। वाटर एंड मिल्क, उसमें क्या है कंटेंट्स, 50 लीटर मिश्रण में वाटर है और मिल्क है। कह रहा है वाटर इन ओनली 20%, इसके अंदर जो पानी का मात्रा है केवल 20% है। द मिल्कमैन गिव 10 लीटर ऑफ दिस मिक्सर टू द कस्टमर, इसमें से 10 लीटर मिक्सर निकाल करके कस्टमर को दे देता है मिल्कमैन, दूध वाला, ठीक है। एंड देन ही एड 10 लीटर ऑफ प्योर वाटर, और इसमें 10 लीटर प्योर पानी मिला देता है, प्योर वाटर इन द रिमेनिंग मिक्सर, जो बचा हुआ मिश्रण है ना उसमें मिला देता है। द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सर, तो फाइनल मिक्सर में मिश्रण में आपको वाटर का प्रतिशत कितना होगा यह आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम एग्जाम्पल नंबर 49 सॉल्व करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 49 को ध्यान से सुनेंगे। 50 लीटर ऑफ मिक्सर है, कितना है 50 लीटर हमारे पास मिश्रण है, कितना लीटर है 50 लीटर हमारे पास क्या है मिश्रण है 50 लीटर मिश्रण, इसमें से क्या है इसमें कुछ तो मिल्क है एंड कुछ वाटर है, और कह रहा है क्या वाटर इन ओनली 20%, इसके अंदर वाटर जो है केवल 20% है। तो अगर पानी 20% है, पानी 20% है, तो 50 का 20% कितना होगा, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू था 1/5, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या था 1/5, अगर 50 में 1/5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, यानी वाटर कितना होगा 10 लीटर। तो अगर 50 लीटर में पानी 10 लीटर है तो मिल्क कितना होगा 40 लीटर, यस या नो। 50 लीटर मिश्रण में 20% पानी है यानी 10 लीटर पानी, तो दूध कितना होगा 40 लीटर, ठीक है। अब क्या कहता है द मिल्कमैन गिव्स 10 लीटर ऑफ मिक्सर टू द कस्टमर, इसमें से मिल्कमैन क्या करता है दूध वाला क्या करता है 10 लीटर मिक्सर निकाल देता, मिक्सर यानी मिश्रण निकाल देता, 10 लीटर मिक्सर निकाल देता। अब मुझे यह बताएं कि एक चीज समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कि ये इसमें क्या बना हुआ, इसमें है शरबत है, ठीक है, इसमें शरबत है। अगर मान लिए इस शरबत से हम 10 गिलास में शरबत निकाले तो क्या, एक बात मुझे बताएं कौन ऐसा गिलास है जिसमें मिठास ज्यादा होगा, कौन ऐसा गिलास होगा, यानी 10 गिलास यहां पे रखा हुआ है 1 2 3 4, तो अगर हम इसमें से सब में शरबत डाल दें इस जग से, तो आप मुझे बताइए कौन ऐसा गिलास होगा जिसमें मिठास ज्यादा होगा, कोई ऐसा गिलास नहीं होगा, क्योंकि जितना मिठास इसमें होगा उतना ही मिठास सब में होगा, यस या नो। तो इसका मतलब है कि जो जिस रेशियो में मौजूद होता है वो उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक चीज ध्यान रखिए, नोट करके लिख लीजिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा आपका। तो जो जिस रेशियो में मौजूद होगा, चीनी जिस अनुपात में इसमें मिश्रण में मौजूद होगा उसी अनुपात में सब में बंटवारा होगा, पानी जिस अनुपात में मिला होगा उसी अनुपात में सब में बंटवारा होगा, ठीक है। तो उसी अनुपात में बंटवारा होगा, मिश्रण में दूध जितना है पानी जितना है उसी अनुपात में भी वो बाहर जाएगा, ठीक है, बाहर जब भी जाएगा तो उसी अनुपात में जाएगा। ऐसा तो नहीं हम इस गिलास में शरबत डाल लें तो मिठास ज्यादा आ जाएगा इस गिलास में, ऐसा तो नहीं होगा, दूसरे ग्लास में मिठास कम होगा ऐसा भी नहीं होगा, बराबर आएगा। तो जिस रेशियो में, जो एक नोट करके एक पॉइंट लिख लेंगे, जो जिस रेशियो में, जो जिस अनुपात में मौजूद होता है वो उसी अनुपात में बाहर जाता है, वो उसी अनुपात में बाहर जाता है। अब यहां पे हम क्यों समझाएं ये सुनिएगा, 10 लीटर मिक्सर बाहर जाएगा, हमारे पास सॉल्यूशन कितना है 50 लीटर, अब 10 लीटर बाहर जाना है तो 10 लीटर में दूध कितना जाएगा और पानी कितना जाएगा, ये बड़ा सोचना है आपको। तो एक बात मुझे बताइए इसका अनुपात कितना होगा, इसका अगर अनुपात निकालना है तो 4:1 होगा, यस या नो। अगर हम इसका अनुपात निकाले 40 और 10 का तो किससे कैंसिल होगा, ये 10 से 4 टाइम्स में, ये 10 से 1 टाइम्स में कैंसिल होगा। इसका मतलब है कि ये किस अनुपात में मौजूद है, 4:1 के अनुपात में मौजूद है, 4 यानी मिल्क एंड द वाटर किस अनुपात में मौजूद है 4:1 के अनुपात में। तो टोटल यूनिट कितना 5 यूनिट का वैल्यू कितना है, कितना लीटर हमें बाहर जा करना है 10 लीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा जल्दी बताएं, 1 यूनिट का वैल्यू 10/5, तो 10/5 यानी 2 लीटर होगा क्या, 1 यूनिट का वैल्यू 2 लीटर, इसका मतलब है 1 यूनिट का वैल्यू 2 लीटर और 1 यूनिट का वैल्यू 2 लीटर, 4 यूनिट का वैल्यू कितना, 4 into 2 तो कितना होगा 8 लीटर। इसका मतलब इस मिश्रण से
दूध जाएगा 8 लीटर बाहर और पानी जाएगा 2 लीटर बाहर, ठीक है। तो पानी कितना जाएगा, वाटर कितना जाएगा, 2 लीटर, और मिल्क कितना जाएगा, मिल्क जाएगा 8 लीटर, क्लियर है। अब यहां पे 2 लीटर अगर वाटर चला जाएगा तो बचेगा वाटर कितना, 8 लीटर, और यहां मिल्क 40 लीटर में से 8 लीटर चला जाएगा तो कितना बचेगा, 32 लीटर। कोई दिक्कत यहां तक तो समझ में आगा। एक चीज याद रखें, जो जिस रेशियो में मौजूद होगा वो उसी रेशियो में बाहर जाएगा, जिस रेशियो में, तो इसको ध्यान रखें, 4:1 के अनुपात में मौजूद है तो 4:1 के अनुपात में ही बाहर जाएगा। जितना मिठास जग में होगा उतना ही मिठास सभी ग्लास में होगा। अब ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि एक गिलास में मिठास ज्यादा हो जाएगा, एक गिलास में मिठास कम हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। अब देखिए अगला लाइन क्या कह रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है, एंड देन ही एड्स 10 लीटर ऑफ प्योर वाटर। अब इसमें कितना लीटर प्योर वाटर मिला देता है, वो मिल्क मैन जो है 10 लीटर प्योर वाटर मिलाता है, प्योर 10 लीटर वाटर मिला देता है। तो वाटर 10 लीटर मिलाया, 10 लीटर मिला तो वाटर कितना होगा, 18 लीटर, और पानी तो सॉरी मिल्क तो कुछ मिला नहीं रहा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रहा, केवल पानी, तो 0 लीटर ही मिल्क रहेगा, यानी मिल्क कितना रहेगा, 32 लीटर, और पानी कितना रहेगा, 18 लीटर। आप पूछता है का वाटर का प्रतिशत कितना होगा, वाटर का प्रतिशत कितना होगा, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, वाटर का यानी पानी का प्रतिशत आपसे पूछा है, पानी है कितना, कितना लीटर बचा लास्ट में, पानी कितना लीटर बचा, 18, तो 18 कितना में, टोटल कितना, 32 प्लस 18 कितना होगा, जल्दी बताएं, 32 प्लस 18 कितना होगा, 50 लीटर होगा क्या, यस या नो, 50 लीटर, 50 लीटर, इसका मतलब 18 वाटर 18 लीटर कितना में, 50 में, तो 50 × 100, तो ये कट करके कितना आएगा, 36%। तो पानी का कितना प्रतिशत अवेलेबल होगा इसके अंदर, अंत में 36%। उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चंस की ओर चले, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कर दिया करें वीडियो को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए, अब हम एग्जांपल नंबर 50 की ओर आते हैं। एग्जांपल नंबर 50 है, सोना पानी से 19 गुना भारी है। सोना कौन सा सोना, सोने वाला सोना नहीं, ठीक है, जो सोना हम पहनते हैं, ठीक है जेवर। सोना पानी से 19 गुना भारी है और तांबा पानी से 9 गुना भारी है। तांबा कितना गुना भारी, 9 गुना भारी है। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए, आप पूछ रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण पानी से 15 गुना भारी हो। मिश्रण जो है पानी से कितना गुना भारी हो, 15 गुना भारी हो। क्वेश्चन समझ में आ गया, सॉल्यूशन करें। एग्जांपल नंबर 50। आप जिस भी टीचर से मैथ्स पढ़ रहे हो ना, आप वहां पढ़ते रहें, ठीक है, हम ये नहीं करें वहां छोड़ दें, लेकिन आप हमसे कंटिन्यू करते रहें, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, अंतर समझ में आ जाएगा। और एक दो टीचर से आप मैथ्स को अगर अच्छे से पढ़ लें तो क्लियर हो जाएगा। तो एक तो आप जो हम पढ़ा रहे हैं उसको नोट्स बनाते रहें और अच्छे से पढ़ते रहें हर एक चैप्टर को, और प्रैक्टिस भी किया करें, कोई भी डाउट नहीं रहेगा और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, लगभग क्वेश्चन आपसे सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो नोट्स अच्छे से बनाएंगे, क्लियर, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे बताएंगे, ठीक है। वैसे आज एलिगेशन आपका समाप्त हो जाएगा, एलिगेशन जब समाप्त हो जाएगा तो किसी भी बुक को, जिस बुक को आपको पढ़ना होगा, जिस बुक को, उस बुक को आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, हर एक क्वेश्चन को पहले आप क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन जितना हम क्लास में वीडियो में पढ़ा रखें, हर एक क्वेश्चन को 5-5 बार प्रैक्टिस करेंगे, और वो क्वेश्चंस आते, आंख के सामने आते ही आप नींद में भी क्या करेंगे, नींद में भी आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चंस बोल रहा है तो डायग्राम बन जाना चाहिए, ये स्टेप से सॉल्यूशन होगा, तब जाकर के आप किसी कंपटीशन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना बार प्रैक्टिस कर सके प्रैक्टिस कर लें, एटलीस्ट 5-5 बार तो प्रैक्टिस जरूर करें हर एक क्वेश्चन को, फिर आपके पास जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको लगाएं, सब सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस को हाथ ना लगाएं जब तक 5-5 times आप सबको सॉल्व ना कर लियो, ठीक है। तो चलिए हम समझाते हैं आपको, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सोना पानी से 19 गुना भारी है, कितना गुना भारी, 19 गुना भारी है, और तांबा पानी से कितना गुना भारी है, 9 गुना भारी है। तो कह रहा है दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण पानी से 15 गुना भारी हो जाए, कितना गुना, 15 गुना भारी हो जाए। तो बस इसको क्रॉस में घटा दें, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, डिफरेंस निकालना, 15 - 9 कितना हो जाएगा, 6, और यहां क्रॉस में घटा करके बताएं मुझे कितना होगा, 15 माइनस 19 माइनस 15 तो यह हो जाएगा 4,
ये रेशियो कटेगा, किस नंबर से कटेगा, दो से कटेगा, तो थ्री टाइम्स में काटे, यहां दो से टू टाइम्स में काटे, तो इसका आंसर हो जाएगा 3:2। आसान क्वेश्चन है, इतना आसान तो आप सोचे भी नहीं होंगे कि सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, वो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का, ठीक है। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 51 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 51 है, तीन बर्तन जो दूध से भरा है, तीन बर्तन किससे भरा है, दूध से भरा है, उनकी क्षमता का अनुपात 3:2:1 है। देखिए यहां पे आपको तीनों बर्तन का क्षमता का अनुपात दे दिया है, 3:2:1, इसका मतलब है कि हमें जो है तीनों मिश्रणों से 3:2:1 के अनुपात में मिलाना होगा, ठीक है, 3:2:1, ठीक। ऐसा हम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, उनमें क्रमशः 5:2, 5:2, 4:1 एंड 4:1 के अनुपात में पानी मिलाया जाता है, यानी दूध और पानी का अनुपात ये दे दिया है, पहले से 1:3, दूसरे बर्तन से 1:2 और तीसरे बर्तन से 1:7 भाग निकालकर एक नए बर्तन में डाल दिया जाता है। तो इस नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात करो, नए बर्तन में पानी कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 51 का, तो ध्यान से सुनिएगा, आसान भी क्वेश्चन है, उतना तो नहीं कह सकते लेकिन फिर भी है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्या, तीन बर्तन जो है उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या है वो मुझे पहले बता दीजिए। तीन बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, मिल्क एंड द वाटर का रेशियो, पहले बर्तन में कितना है, पहले बर्तन में 5:2 है, 5:2 है, दूसरे बर्तन में मिल्क और वाटर कितना है, दूसरे बर्तन में मिल्क और वाटर 4:1 है, 4:1 है, तीसरे बर्तन में मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है, दूध और पानी का अनुपात कितना है, 4:1 है। ये क्वेश्चंस का एक लाइन है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है क्या, पहले तो आप पहले से 1:3, दूसरे से 1:2, तीसरे से 1:7 भाग निकालेंगे तब जब आप ये मुझे बताइए कि ये तीनों क्या इक्वल है, इक्वल है, इक्वल नहीं है, तो पहले इक्वल करने का रूल हम सीख चुके हैं पहले क्लास में। तो पहले तो ये देख लीजिए, ये दोनों, ये सभी इक्वल है क्या, 5:2 कितना होगा 7, 4:1 कितना होगा 5 और 4:1 कितना होगा 5, ये क्या 7:5:5 इक्वल है, 7:5:5 इक्वल नहीं है। अब इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस तीनों का एलसीएम लेंगे, 7:5:5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, जल्दी बताएं, 35 होगा क्या, 35, तो इसमें कितना से गुना कर दे तो 35 हो जाएगा, 5 से, इसमें कितना से गुना कर देंगे 35 होगा, 7 से, इसमें कितना से गुना कर दें हम तो 7 से, क्लियर है। तो क्या ये 35 इक्वल हो गया, अब इक्वल हो गया तो उस बर्तन का क्षमता कितना है, 3:2:1, मतलब 3:2:1 के अनुपात में मिलाना होगा, तो 3:2:1 आप बारी बारी से, ये इक्वल करने के बाद, बराबर करने के बाद 3:1, पहले में 3, दूसरे में 2, तीसरे में 1 मल्टीप्लाई कर दे ताकि 3:2:1 के अनुपात में मिश्रण तैयार हो जाए। तो चलिए हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे बर्तन में 2 से और तीसरे बर्तन में 1 से। अब हम कंबाइन मल्टीप्लाई देख ले कि कितना मल्टीप्लाई करना होगा, यहां पर कंबाइन, यहां पर मल्टीप्लाई करना होगा 15 से, यहां पर मल्टीप्लाई कितना करना होगा 14 से, 14 से, यहां पर मल्टीप्लाई कंबाइन कितना करना होगा 7 से, क्लियर है। तो अब इस पूरे टर्म को 15, क्योंकि मैथ्स के हिसाब से इसमें 15 से मल्टीप्लाई किए तो ये तो इक्वेशन गड़बड़ हो जाएगा, तो आप उसमें भी गुना करें, तो उसमें गुना करें आप 15 से गुना करेंगे तो 75:75 रेशियो, आप 15 से इसमें गुना करें 30, ओके, आप 14 से इसमें गुना करें 56:56 और 14 से इसमें गुना करें 1, तो 14 ही रहेगा। अब 7 से इसको मल्टीप्लाई करें 28 और 7 से इसको मल्टीप्लाई करें 7, इसका मतलब हो जाएगा पहले बर्तन में 75:30, दूसरे बर्तन में 56:14 और तीसरे बर्तन में 28:7 दूध का होगा। अब आप जब 3:2:1 के अनुपात बना लिए, जब इसको जोड़िएगा, इसको जोड़िएगा, इसको जोड़िएगा, तो ये 3:2:1 के अनुपात में होगा, ठीक है। अब पहले बर्तन से 1/3 भाग निकालना है, पहले बर्तन से कितना निकालना है 1/3 भाग निकालना है, पहले बर्तन से 1/3 भाग निकालना है, ठीक है। दूसरे बर्तन से कितना निकालना है 1/2 भाग, दूसरे बर्तन से 1/2 भाग निकालना है 1/2 आधा भाग निकालना है, तीसरे बर्तन से 1/7
पार्ट्स निकालना है, 1/7, और इसमें भी 1/7 निकालना है, ठीक है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम 1/3 इससे निकालते हैं, तो 75 × 1/3 कितना होगा, 25, यानी 25 हमको बाहर निकालना होगा, 25 इससे बाहर निकाल दिए, इसमें 3 से गुना करें तो कितना हो जाएगा, 10, यानी यहां से 10 बाहर निकालेंगे, ठीक है। यहां 1/2 तो कितना हो जाएगा, 56 का 1/2 करें तो कितना हो जाएगा, तो 28 होगा क्या, 28, 56 का आधा कितना होगा, 28 होगा, चलिए अब 14 का आधा कितना होगा, 7, 7-7 बोला करें, ठीक है, ताकि हम सुन करके कभी अगर गलती हो जाए तो लिख सके, ठीक है। अब बताइए 28 का 1/7 कितना होगा, तो 1/7 4 होगा, ठीक है, यहां 1 होगा। क्या हम पहले बर्तन से 1/3 बाहर निकाल दिए, दूसरे बर्तन से 1/2 बाहर निकाल दिए, और तीसरे बर्तन से 1/7 बाहर निकाल दिए, ठीक है। अब कह रहा है क्या, एक नए बर्तन में डाला जाए, एक नए बर्तन में इसको रखा जाए, एक नया बर्तन हमें तैयार करना होगा और उसको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक नया बर्तन हम ले लेते हैं, ये एक नया बर्तन है, इसमें ये और ये रखना होगा, तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना होगा, अब जोड़ें 25 इसमें मिल्क है, इसमें मिल्क कितना है 28, इसमें मिल्क कितना है 4, अब जोड़ करके मुझे बताए कितना होगा, 50 और यहाँ 3 इधर चला जाए, 57 मिल्क यूनिट, 57 यूनिट होगा, और पानी कितना होगा, वाटर यहाँ 10 यूनिट है, यहाँ 7 यूनिट है, और यहाँ पे 1 यूनिट है, तो कितना होगा 18 यूनिट हो जाएगा, 18 यूनिट। तो आपको पूछा पानी का प्रतिशत ज्ञात करें, एक बात मुझे बताएं, मिल्क इसमें 57 यूनिट है, 57 यूनिट है, वाटर 18 यूनिट है, तो मिश्रण कितना यूनिट है, दोनों का मिश्रण कितना यूनिट है, जल्दी बता, क्योंकि परसेंट निकाला, तो मिक्सर हमारा 75 यूनिट होगा क्या, मिक्सर यानी मिश्रण हमारा कितना होगा 75 यूनिट। अब आपसे पूछा है पानी का प्रतिशत बताएं, यहां देखिएगा वाटर का प्रतिशत आपको निकालना है, पानी का, पानी है कितना यूनिट जल्दी देख करके बताएं, वाटर कितना यूनिट है, 18 यूनिट, तो 18 रख दीजिए, कितना में जल्दी बताएं, टोटल कितना 18 यूनिट 75 में, तो 75 रख दीजिए, और किसी चीज को परसेंटेज में लिखना होता है तो 100 से गुना करते हैं, किसी भी चीज को परसेंटेज में लिखना होता है तो 100 से गुना करते हैं, और परसेंटेज हटाना होता है तो 100 से भाग देते हैं, ठीक है। तो जिसका प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर रखें, और जितना में निकालना है उसको नीचे रखें, इंटू 100 करें, 100 इसलिए क्योंकि परसेंटेज में लिखना है, तो आप कैंसिल करें, 25 से कैंसिल करें, ये 3 टाइम्स हो जाएगा, 25 से 4 टाइम्स हो जाएगा, 3 से 6 टाइम्स में जाएगा, तो कितना होगा 24 प्रतिशत, तो पानी का प्रतिशत इसमें कितना होगा 24%, ये आंसर रहा आपका, ठीक है, 24% आंसर रहा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अगर नहीं समझा होगा तो वीडियो को एक बार पीछे करें और दोबारा आप कोशिश करें इसको समझने का, ठीक है। तो आज का क्लास हमारा समाप्त हुआ और ये चैप्टर भी हमारा आज समाप्त हुआ, अब हम अगले दिन आएंगे, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चैप्टर आप मैथ्स का चाहते हैं पढ़ना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आएंगे और कमेंट करके बताएंगे, अगर आप मुझसे पूछिएगा तो हम बाद में बताएंगे कि इस चैप्टर से लिंक कौन सा चैप्टर है, उसको हम बाद में बताएं, आप अपना जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं आए कमेंट बॉक्स में और मुझे बताएं, वीडियो कैसा लगा और पूरा चैप्टर एलिगेशन कैसा लगा आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर के हमें कमेंट जरूर कर बताएंगे, और सभी स्टूडेंट को बताना, जितना भी स्टूडेंट हमें देख रहे हैं सुन पा रहे हैं तो एक बार हमारे बारे में जरूर बताएं कि हम कैसा आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और दोस्तों को मैथ्स के क्लास के बारे में जरूर बताएं, क्योंकि नाइट का समय है, रात्रि 12 बजे से पार हो चुका है और हम वीडियो हम आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो एक चीज ध्यान रखेंगे तो दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि हमारा इफिशियंसी जो है, क्षमता जो है, सभी तक पहुंच पाए, हमारा सहयोग सब तक सबको मिल पाए फ्री ऑफ कॉस्ट वाला, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पार्ट्स में, अगले वीडियो के साथ, अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें, और हाँ, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ये राउंड वाला बटन है, इस पर अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो, एक ही बार सब्सक्राइब करना, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि 2-3 बार सब्सक्राइब कर लेते हैं, आप समझते हैं 2 बार करेंगे तो फिर अनसब्सक्राइब हो जाएगा, और ये वीडियो है, अगर देखना चाहते हैं नेक्स्ट पार्ट तो देख सकते हैं, ठीक है,
थैंक यू।